पश्चिम बंगाल में पिछले साल रामनवमी पर हुई हिंसा मामले में एनआईए ने 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। सभी को धार्मिक जुलूस के दौरान सांप्रदायिक हमले की साजिश रचने और दंगा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ दिनाजपुर जिले में 30 मार्च 2023 को रामनवमी जुलूस के दौरान दो समुदायों के बीच हिंसा हुई थी। दालखोला के तजामुल चौक पर जुलूस पर हमले के बाद भड़की सांप्रदायिक हिंसा में पश्चिम बंगाल पुलिस ने 162 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इसके बाद 27 अप्रैल 2023 को कलकत्ता हाईकोर्ट ने एनआईए को मामले की जांच के आदेश दिए थे। एनआईए को जांच के दौरान हिंसा के वीडियो फुटेज मिले थे। वीडियो फुटेज से आरोपियों की पहचान की गई और उन्हें गिरफ्तार किया गया। मामले में एनआईए की जांच अभी भी जारी है।